जबलपुर के रामपुर इलाके में बीती रात लुटेरों ने दो एटीएम को अपना निशाना बनाया, लेकिन ये यहां पर लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। वारदात में सफलता न मिलने पर आरोपी एटीएम में तोड़फोड़ करके चले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिखा रहा हमको और गार्ड यहाँ कम से कम 8-9 महीने से नहीं है, और इसके पहले भी काफी गार्ड मतलब रहते रहे, फिर 8-9 महीने से गार्ड ही नहीं है एक एटीएम में और ये आगे वाले एटीएम में। क्या मानते हैं एटीएम यानी जो बैंक है, बैंक प्रशासन उनकी तरफ से गलती हुई है? अब भैया अब गार्ड ही नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं अब इसमें अपन, और रात का समय है तो बता नहीं सकते कि कौन करा होगा, लेकिन मॉर्निंग में जब आए तो देखे तो यहाँ भीड़ भी लगी रही, पुलिस भी आई रही, हाँ सवेरे मिली रही इनको, और गार्ड पहले वहाँ बैठते रहे तो एक गार्ड भी कवर कर लेता रहा, लेकिन अब तो गार्ड एक टाइम पे भी नहीं बैठता है कोई भी। अब ये तो नहीं मालूम, ये यहाँ तो सब बोल रहे हैं कि मशीनें बस टूटी है, पैसे नहीं निकले हैं। रामपुर छापर क्षेत्र में रात्रि 2 बजे करीबन जो जानकारी मिली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो एटीएम को तोड़ डाला गया, पैसा लूटने के उद्देश्य से किया गया है। ये बड़ी विडम्बना है कि यहाँ पर पुलिस की गश्त न होने के कारण और SBI ने अपने दायित्व का निर्वहन न करके वहाँ गार्ड नहीं रखा था, चोरों को लूटने का उपक्रम दिया स्टेट बैंक ने। अगर उनके गार्ड होते तो ये हादसा नहीं होता। जो सुविधा थी वहाँ के लोगों के लिए वो सुविधा से वंचित होना पड़ा है, और निश्चित रूप रामपुर छापर क्षेत्र में असामाजिक अराजक तत्व तो वहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस अगर मुस्तैदी से अपना काम करे, अगर प्रॉपर ढंग से पेट्रोलिंग हो तो निश्चित रूप से इस तरह के हादसे नहीं होते हैं, क्योंकि जोगनी मोहल्ला से लगा हुआ क्षेत्र है, जोगनी माई के मंदिर से लगा हुआ क्षेत्र है ये, और वहाँ पर आना जाना लोगों का रहता है। अगर पेट्रोलिंग पुलिस अपनी करती रहे तो निश्चित रूप से इस तरह के हादसे नहीं होंगे। रामपुर छापर के आगे जो एक ATM मशीन है SBI का, उसमें कुछ तोड़ने का प्रयास किया गया है, पैसे निकालने का प्रयास किया गया है, हालांकि जो भी आरोपी था वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन मशीन उसने तोड़ दिया है। ऐसी सूचना मिली तो थाना प्रभारी CSP और मैं भी मौके पर गया था, फिंगरप्रिंट वालों को भी हमने बुलवाया है, CCTV फुटेज भी हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और अज्ञात आरोपी के खिलाफ 457-380 का मामला गोरखपुर थाने में।